कौन है ये? मामी जी। मम्मी। मामी आप तो बहुत सो लिया है ना, 4 घंटा सो लिया, तो 1 बजे सो गए। बेटी हेलो गाइस, मैगी खा लो। तो गाइस ये हमारा ना सबसे बाहर वाला कमरा है, इसके अंदर हम मैगी खा रहे हैं। एंजू मैगी खा लो, ये दे। हैं ताती है, ताती है। ओ रे मेरी ताती है। हाँ मेरे बाबू की मैगी गर्म है। दरे मम्मा की वीडियो को क्या कहने हैं? मम्मी आपकी भी ताती है। नहीं मम्मा की वीडियो को क्या करना है पहले ये बताओ। मम्मी आपकी भी ताती है। हाँ ताती है। वीडियो को क्या करना है? लाइक कमेंट कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। आज सुबह मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा बिजी चल रहे थे बस, फटाफट से ऐसे लग रहे थे जल्दी सी ये वाला काम कर ले, ये वाला काम कर ले। और 1 बजे सोए थे हम, उठे 1 बजे, सवा 1 बजे, सवा 2 बजे सोए थे हम, उठे हैं 3:30 या 4:15 के आसपास। हाँ बेटा मैं थोड़ी सी अब के खा लो। खा लो थोड़ी सी। तो अभी उठे हैं 4 बजे, उठ के बस सभी चाय मैगी खा रहे हैं। गर्म है ना बेटा, तो फिर रखो। और मैगी का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वो बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ आने के बाद मतलब कि मैंने 2 दिन थोड़े से कंटिन्यू वीडियो बनाई है, बट उसके बाद थोड़ा मैंने कम कर दिया था बस ऐसे ही। और बारिश वाला मौसम हो रखा है, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली बूंदाबांदी हो रखी है। तो अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल पास में गोठिया मतलब गाँव है, और हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो वहाँ पे हम बहुत जाते थे जब छोटे होते थे, तो बीच में कोई काम नहीं होता था। कल झुपा गए गोठियाँ और पैदल ही जाने वाले हैं, क्योंकि मैं लेके आई हूँ साड़ी जो मुझे अभी ससुराल जाऊँगी तो पहन के जानी है ना, तो उसका ब्लाउज तैयार करवाना है। तो फटाफट से खा पी के हम निकल जाएंगे आराम से, 5 मिनट या 10 मिनट का रास्ता है। और मिट्टी है बिल्कुल, ऐसे समझ लो राजस्थान, हरियाणा से राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में आ जाता है गोठिया गाँव। जो अपना घर है ये बॉर्डर पे ही है, हमारा घर हरियाणा में है और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगा, लास्ट हमारा ही घर है, लास्ट हमारा घर है बिल्कुल। तो आप लोगों को मैं हरियाणा से राजस्थान का टूर कराती हूँ, थोड़ा सा है शॉर्टकट में, मिट्टी का टिल्ले से टाइप का है थोड़ा सा, वैसे चलिए मैं आपको दिखा दूँगी रास्ते में, ठीक है। और मैं खा लेती हूँ मैगी। ध्रुव पता क्या बोल रहा है, मम्मी मैं आप वाली खा लूँ? इसको ये होता है कि मैं मम्मी वाली फिनिश कर दूँ पहले, फिर अपने वाले खाता हूँ। कहाँ आ रहा है आपका रोहित भाई? नानी घर। नीचे हो गया था ये वाला जो हम बैठक बोलते हैं, और ये बैठक है जिसमें मतलब थोड़े से बड़े बुजुर्ग पापा या फिर उनके चाचा ताऊ आके जैसे बैठ जाते हैं, तो ये वाला ना नीचे दब गया, बहुत अच्छा बना हुआ था। बट अभी ना इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, एक बार ऐसे मतलब बना लिया यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे अनाज वगैरह रख दिया, स्टोर रूम टाइप का ये थोड़ा, चलो ठीक है। उधर सामने मतलब अनाज की बोरियाँ वगैरह लगा रखी है, तो एक तरह से मान लो वो वाला ना छोटा सा स्टोर टाइप का हो गया, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। और इस साइड भी मैं आप लोगों को पूरा घर का टूर कराऊंगी मैं कल आप लोगों को, ठीक है। बने रहिए कंटिन्यू, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। बाय। हरियाणा से राजस्थान, और ये ना बिल्कुल ही मतलब 5 मिनट तो लागे ही कौन है ना भाभी, 5 या 7 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग आए हैं पैदल ही चल के, और पहले इस रास्ते से हम लोग बहुत आते थे, क्योंकि हमारे गांव में ना शॉप वगैरह नहीं होती थी, तो इधर गोठा गांव से ही सामान लेके जाते थे, घर का भी हो गया या फिर और भी हो गया। तो अभी मैं और भाभी आए हैं साड़ी का ब्लाउज है ना वो स्टिच करवाने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वो भाभी जी ना बहुत सुंदर बनाते हैं, उनके हमने 2-3 बनवा भी लिए ना, 2-3 तो क्या बहुत सारे बनवा लिए। तो इसके बाद शादी में राधा की शादी, छोटी सिस्टर की शादी से हमने ना सारे यहीं से स्टिच करवाए थे, तो फिर सोचा मैंने भी एक करवाया था उस टाइम, रेट भी ज़्यादा महंगा, रेट भी बहुत सही है एकदम अच्छे, और डिजाइन भी आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे, डिजाइन वगैरह के भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। तो फिर अभी हम आए हैं पैदल, पैदल जानबूझ के पैदल ही आई हैं, देखिए कितना कच्चा रास्ता है। और तो चलिए राजस्थान, और इस राजस्थान गांव का नाम क्या है बता देती हूँ, गोठियाबड़ी।
जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और इस गांव में ना सारी कास्ट है, जो बोलते हैं ना सभी 36 कास्ट, क्या कौन सी है, 36 बिरादरी होती है ना, वो सारा है इस गांव में। राजपूत, मुसलमान, राजपूत बहुत ज़्यादा इधर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, एरिया भी दिखाते हैं आप लोगों को। और वो देखिए खेत, देखो बारिश की मौसम, बारिश हुई है लगातार 3 से 4 दिन। तो और ये आ गया राजस्थान, लोगों ने बांध बिजाई स्टार्ट कर दी। और ये देखिए यहाँ पे पक्की सड़क है, ये गोठिया वाला ने बनवाई अपनी तरफ से, गोठिया वाले। और ये खेत है हमारे ताऊ जी का, जो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे लगते हैं। और ये देखिए इधर भी आई है साथ में। पहले पानी का मतलब कम होता था शायद, ये बात माइंड मत कीजिए। कोई राजस्थान का भाई या बहन मेरी वीडियो देखता है तो सोचेंगे राजस्थान की बुराई कर रहे हैं। पहले होती थी कमी, आज के टाइम मुझे नहीं पता पानी की कमी है या नहीं। तो अक्सर आप लोग देख सकते हो राजस्थान में ना इस तरह के देखे कुंड मिल जाएंगे, लेकिन हरियाणा में नहीं होंगे। और आंटी जी देख गोबर ताप रही है, गोबर ताप रही है। ये देखिए कुंड कितना अच्छा लग रहा है ना, पुराने। आजो बेटा आजो, लकड़ी दिखाओ, लकड़ी दिखाओ। और ये देखिए इस तरह से लकड़ी चूल्हे पे बनाते हैं ना खाना, तो इस तरह की लकड़ियाँ ये जलाते हैं। और इनको बोलते हैं जो व्हाइट कलर के गिरले गिरले है ना। और ये देखिए भाई गोठा गाँव, मैं सिर्फ पैदल आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपनी मेमोरीज थोड़ी सी ताज़ा कर लूँ, क्योंकि हम बहुत आते थे बहुत ज़्यादा। ये वाला घर है ना, इधर मैं बहुत आती थी। हे गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं। और ये हमारी मसान भूमि है, शमशान घाट, पवित्र जगह, हमारे पूर्वजों का स्थान बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए वापस, टिब्बे टिब्बे आ रहे नीरे नीरे, टिब्बे 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 टिब्बे, ये तो टिब्बे भी को नहीं। सुनी बहुत है, सुनी बहुत है। देखिएगा इस गांव हमारा, ये हमारे खेत, वो करना ही कितनी दूर है। मैं वीडियो बनाऊंगी, एक स्टैंड तो बड़ा छोड़ दूंगी। मम्मा मेरे से बात करो, मम्मा मेरे से बात करो, मैं 3 स्टैंड खरीद दूंगी। 3 किसे जो गेट वाइट 2-1 फ्री। ते बनाते हैं, हमारा बन रहा है डिनर, डिनर बन रहा है, चूल्हे का डिनर। कौन कौन खाएगा? पापा खाएंगे, आज तो घर में एक बंदा स्किप हो गया है, भाई गया हमारा डोटी। हाँ एनू पी रही है दूध, रुक जा। और ध्रुव पता क्या करे, बोला मम्मी मुझे ना 2-3 थप्पड़ मारो। नहीं तो कौन सा, रुक जा। ध्रुव तू गंदा बच्चा है, तू रो क्यों, तो चुप हो जा। मम्मा गंदे हो। हाँ तुम्हें गंदे हो, ठीक है मैं। और ये देखिए ये लकड़ी है, इसमें भी बनाते हैं दाल वगैरह। ना सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, अभी थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा था हम लोग बिजी, थोड़ा था हम लोग बिजी करी, थोड़े थे बिजी कुछ काम की वजह से। तो अभी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शुरू कर लिया, और ये कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू रहेगा। और भाभी ने भी खाना बना लिया, और सब्जी किस चीज़ की बनाई हमने, सब्जी बनाई है जो लोहे होते हैं ना खेत के, उस चीज़ की बनाई है सब्जी। और ऊपर वाला देखिए, तो ऊपर भी होता था, गंदी बात क्या बोल रहे हैं, तो ऊपर भी था चूल्हा, लेकिन ऊपर इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ऊपर नीचे आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने नीचे रख लिया चूल्हा। और क्या होता है, बस यही। और बारिश हो रही है कंटिन्यू, 2 से 3 दिन हो गए कंटिन्यू यहाँ पर बारिश हो रही है। तो पापा जी गए हुए हैं ट्रैक्टर लेके, किसी के खेत की बिजाई नहीं, सॉरी बांध वगैरह करने गए हैं।
और भाई मेरा चला गया आज ड्यूटी, तो थोड़ा सा मेरे को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा। एक दो दिन तो हम बोल रहे थे भाई तू जा जा जा, बट वो गया ना, मेरा मन बहुत दुखी हुआ है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई के बगैर। पर वही है, क्या करे, जाना ज़रूरी होता है ना। गाना गावे ना, वो जाने का मन किसका होता है, जिम्मेवारियाँ हैं जो। भाभी भाभी इसका एक लगाओ चट्टू। चलिए अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, और लाइट गई हुई है तो चलो अंदर, तो इन्वर्टर की लाइट वगैरह है, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आज हमने किचन को थोड़ा सा किया था मेकओवर, किचन में हमने पेपर वगैरह लगाए थे रेड कलर का, क्योंकि जब तक हमारा किचन का काम नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा टेम्परेली पेपर वगैरह लगा के कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और चलिए अंदर चलते हैं। एंजल रो रही है, कह रही दादी मेरे को नहला दो, मम्मी नहा रही है क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये देखिए, आहा